हेलो बच्चों, तो आज जो जैसे कि सब लोग कुछ डिमांड कर रहे थे, मैंने देखा ग्रुप में कि कुछ कैलेंडर सीखा जाए। कैलेंडर के बारे में देखते हैं, कैलेंडर क्या होता है, कैसे होता है, सर वो बताओ आप। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, आज मैं कैलेंडर के बारे में कुछ डिस्कस करता हूँ, है ना। अब ये वीडियो आप एंड तक देखोगे तो आपको बहुत कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। पहली बात तो बहुत कुछ हिस्ट्री के बारे में पता चलेगा, और मैं लास्ट तक ये आपको बताऊंगा कि कैसे आप वापस से बिना लाइक पेन कॉपी का यूज़ किए दिमाग से ही 10 सेकेंड या ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकेंड, वो आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, अपने कैलेंडर के किसी भी डेट का डे बता पाओगे। अगर मैं आपको पूछूंगा कि बताओ 25 अगस्त 1920 को क्या डे था, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे क्या था, तो आप तुरंत ही बता पाओगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले, है ना। एंड तक बने रहिए, ध्यान से देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ पे। तो पहले हम लोग देखते हैं कि अपना कैलेंडर आया किधर से, क्या हुआ, कैसे हुआ। तो मैं आपको बताता हूँ कि पहले हुआ करता था रोमन कैलेंडर। कौन सा कैलेंडर हुआ करता था? रोमन से मैं स्टार्ट, उससे पहले भी बहुत कैलेंडर हुआ करते थे, बट मैं रोमन से स्टार्ट करूँगा। रोमन एक कैलेंडर हुआ करता था। अब उस कैलेंडर के हिसाब से अगर देखोगे आप, तो साल में 10 ही महीने होते थे। साल में तभी सिर्फ 10 महीने होते थे। कौन कौन से? जनवरी होता था, फरवरी होता था, मार्च होता था, अप्रैल होता था, मई होता था, जून होता था, जुलाई अगस्त नहीं होता था, ठीक है, सितंबर होता था। ठीक है, क्या क्या बोला मैंने? जनवरी होता था, फरवरी होता था, मार्च होता था, अप्रैल होता था, मई होता था, जून होता था, बट जुलाई अगस्त नहीं होता था, सितंबर होता था, अक्टूबर होता था, नवंबर होता था और दिसंबर होता था। ये 10 महीने सिर्फ होते थे। ठीक है, अब आप इसमें खुद भी समझ सकते हो कि सातवां महीना सितंबर होता था। वैसे भी आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो सितंबर का मतलब, सेप्ट का मतलब भी 7 होता है ना। अक्टूबर, कभी ध्यान दिया आपने? सेप्ट का मतलब 7 होता है, ऑक्ट का मतलब 8 होता है, नौ का मतलब 9 होता है और डेक का मतलब 10 होता है कि नहीं? तो अगर आप ध्यान से देखो तो वहीं पे उसके नाम में ही छुपा हुआ है, तो उधर से ही नाम भी आया है उसका। तो रोमन कैलेंडर के हिसाब से जुलाई और अगस्त होता ही नहीं था। ठीक है, फिर रोमन में बहुत सारी प्रॉब्लम आई, बहुत सारे कई बार होते थे कि उनको स्किप कर जाना पड़ता था, कई डेट कुछ सालों के बीच ही ये करना पड़ता था कि चलो ये डेट नहीं होगा। आप खुद ही सोचो, 25 नवंबर के बाद आपको पता चले कि सीधे 28 नवंबर आ रहा है, कैसा लगेगा? 2 दिन बीच से गायब कर दिया है, 1 दिन बीच में से गायब कर दिया। तो ऐसे ऐसे कुछ कुछ प्रॉब्लम आ रहे थे रोमन में। तो फाइनली एक नया कैलेंडर इंट्रोड्यूस हुआ जो था जूलियन कैलेंडर। कौन सा था? जूलियन कैलेंडर। ये बहुत ज़्यादा मिलता जुलता था अभी के कैलेंडर से। जूलियन कैलेंडर आया। अब जूलियन कैलेंडर ने 2 नए मंथ्स इंट्रोड्यूस किए। कौन कौन से? जुलाई और अगस्त। ठीक है, जुलाई और अगस्त 2 नए मंथ्स इंट्रोड्यूस किए गए जूलियन कैलेंडर के हिसाब से। अब ये कैलेंडर ने क्या कहा, आप ये समझो। मैं रोमन के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि उतने अपने को जाना नहीं है। रोमन के बारे में मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि उसमें 10 ही महीने होते थे, है ना, और ये होता था। दिन कितने होते थे, क्या होते थे, उससे अपने को कुछ करना नहीं है, इसलिए मैं वो डिस्कस भी नहीं कर रहा। जूलियन कैलेंडर में आते हैं। अब जूलियन कैलेंडर ने क्या बोला कि देखो, एक साल में 365 दिन होते हैं और थोड़ा एक्स्ट्रा भी होता है, मीन्स एक चौथाई दिन और होता है। 365.25 मीन्स 365 दिन और 1/4 of a day मीन्स 0.25 वही हो गया ना, तो 365.25 डेज एक साल में होते हैं। ठीक है, जूलियन कैलेंडर ने अपने को ये बताया, और ये स्टार्टिंग से फिर जूलियन कैलेंडर ही चलता आ रहा था। और बट दिक्कत क्या हुई कि इसमें भी थोड़े से प्रॉब्लम आने लगे। प्रॉब्लम क्या आने लगे कि जो हम लोग क्रिश्चियन लोगों का एक पर्व होता है ईस्टर, तो ईस्टर मनाने में उनको कभी जो लीप ईयर आता था, उन्होंने बोला कि हर 4 साल में एक लीप ईयर आएगा, तो हर 4 साल में जो लीप ईयर आता था, तो लीप ईयर में जब भी ईस्टर आता था उनका, वो एक दिन लेट हो जाता था। अब जैसे हम लोगों का भी कोई पर्व होता है तो हर साल अलग अलग डेट पे होता है, क्योंकि हम लोग का जो हिंदू कैलेंडर है वो कुछ और फॉलो करता है ना, वो हम लोगों का ग्रीगोरियन कैलेंडर फॉलो नहीं करता है। अगर आप हिंदू का, जैसे हम लोगों का अभी 2020 साल है ना, 2020 किसके हिसाब से?
ग्रिगोरियन कैलेंडर के हिसाब से। मैं आपको अभी नाम बता रहा हूँ, हम लोग जूलियन कैलेंडर अभी नहीं में है, हम लोग कौन से कैलेंडर में है, ग्रिगोरियन कैलेंडर में है, जो कि जूलियन कैलेंडर के बाद आया ग्रिगोरियन कैलेंडर, वो मैं आपको बताऊँगा। अभी हम लोग जो फॉलो, अगर हिंदू के हिसाब से देखा जाए तो हम लोग हिंदू में भी बहुत सारे फॉलो करते हैं, विक्रम संवत फॉलो किया जाता है। तो अगर आप विक्रम संवत के हिसाब से देखोगे तो हम लोग 2020 में नहीं है, हम लोग 2076 2077 में है ना, मतलब कि आधा साल 2076 आधा 2077 कुछ ऐसा हो जाता है। और अगर उसी तरह शक संवत भी होता है, हिंदू का एक दूसरा भी होता है, शक संवत के हिसाब से देखोगे तो हम लोग और पीछे वो उसमें किसमें, उसमें 1941 1942 में हम लोग शक संवत के हिसाब से। और एक और कई जगह हिंदू का एक और फॉलो किया जाता है, वो है कलयुग। तो कलयुग आप देखोगे तो कलयुग के हिसाब से हम लोग बहुत आगे हैं, मीन्स अभी 5120 और 5121 साल में हम लोग, सोचो कितना आ गया, किसके हिसाब से, कलयुग के हिसाब से। तो हिंदू कैलेंडर हम लोग विक्रम, जनरली जो होता है विक्रम संवत और शक संवत यूज़ किया जाता है हिंदू के पर्व सब के लिए। तो आप देखना हर साल पर्व का डेट कुछ चेंज होता है, इस साल ये हो गया, इस साल वो हो गया, क्योंकि वो सूर्य और जो मून होता है उसके हिसाब से चीज़ों, अर्थ के रोटेशन के हिसाब से चीज़ों को देखा जाता है, तब वो पर्व मनाया जाता है, कुछ ऐसा रहता है। तो अब मैं आता हूँ जूलियन कैलेंडर के तरफ। तो जूलियन कैलेंडर में प्रॉब्लम आती थी ईस्टर के टाइम में, कि जब वो ईस्टर मनाते थे तो जब लीप ईयर आता था तो दिक्कत होती थी उनको कि ईस्टर एक दिन स्किप करना पड़ जाता था, है ना, ईस्टर जो होता था उसे एक दिन उसे स्किप करना पड़ जाता था। तो इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम होती थी, कुछ लोगों को लगता था कि काश ऐसा कुछ होता जिससे कि ऐसा ना हो। जैसे जनरली आता था ईस्टर 23 फरवरी के बाद आता था, आप ये सुनिएगा कि जूलियन कैलेंडर में जब लीप ईयर होता था तो 23 फरवरी में अगर ईस्टर आता था तो 24 फरवरी को वो लोग डबल कर देते थे, है ना। अब अभी सोचिए, अभी के हिसाब से अगर 24 फरवरी डेट है आज और कल भी 24 फरवरी ही डेट हो तो कितना अजीब सा होगा कि आज भी 24 फरवरी कल भी 24 फरवरी। तो कुछ ऐसा किया जाता था जिससे कि कैलेंडर में कुछ दिक्कत ना रहे, कब, जूलियन कैलेंडर में। और वो कब होता था मैं भी, वो भी आपको बताऊंगा कि जूलियन कैलेंडर कब तक चला, बहुत ही हाल फिलहाल तक चला ये कैलेंडर, है कि नहीं, बहुत जगह पे। तो इसमें भी प्रॉब्लम आती थी, जूलियन कैलेंडर में भी प्रॉब्लम आती थी, आपको मैंने बताया क्या प्रॉब्लम आती थी। तो फिर कुछ 1582 में 1582 में एक पोप थे, ग्रिगोरी थर्टीन नाम था उस पोप का। पोप मीन्स क्या होता है, जो चर्च में रहते हैं वो पोप होते हैं कहलाते हैं, वो उनका पोप बोला जाता है। तो पोप ग्रिगोरी थर्टीन था, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, और भी उनके साथ दो तीन और लोग थे, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया एक नया कैलेंडर। वो कौन सा कैलेंडर था, ग्रिगोरियन कैलेंडर। कौन सा कैलेंडर था, ग्रिगोरियन कैलेंडर। अब ग्रिगोरियन कैलेंडर क्या कहता था, उन्होंने कुछ बहुत ज़्यादा चेंज नहीं किया, उन्होंने बोला कि ये प्रॉब्लम इसीलिए आ रहा है, हर लीप ईयर में हम लोगों को ऐसा करना पड़ता है, ये प्रॉब्लम इसीलिए आ रहा है क्योंकि एक साल को हम लोगों ने 365.25 माना है, 365.25 अज्यूम किया है। ये अजम्पशन ही गलत है, गलत नहीं है, मीन्स ये थोड़ा सा ज़्यादा अज्यूम कर लिया है हम लोगों ने। ज़्यादा कैसे अज्यूम किया है, कि एक्चुअली में उन्होंने बोला कि 301 साल जो होता है वो 365.2425 डेज होता है। एक्चुअली कितना होता है, 365.2425 डेज होता है, लेकिन हम लोग देखो इतना सा चेंज करते हैं, 25 कर देते हैं सीधे। ये थोड़ा सा चेंज कई सालों में एक दिक्कत दे देता है कि नहीं। तो उस दिक्कत की वजह से, मतलब तो वही जो ज़्यादा अज्यूम कर लिया हम लोगों ने, तो थोड़ा सा हम लोगों को थोड़ा पीछे जाना पड़ता है उस चक्कर में, है ना, ज़्यादा अज्यूम कर लिया हम लोगों ने। अगर इसको आप थोड़ा सा कन्वर्ट करके देखोगे तो एक साल में हम लोग बोलते हैं 365 दिन 6 घंटे होते हैं, बट वो भी हम लोग अप्रॉक्स कर देते हैं कि 365 6 घंटे, एक्चुअली में एक साल में अगर देखा जाए एवरेज तो 365 डेज अभी के हिसाब से मैं ग्रिगोरियन, अभी भी हम लोग ग्रिगोरियन यूज़ करते हैं जनरली, 365 डेज 5 आवर्स 49 मिनट्स और 12 सेकंड होता है, किसमें, अभी के एक साल में 365 दिन 5 घंटे 49 मिनट 12 सेकंड होते हैं एक साल में, इसको आप कन्वर्ट करोगे तो। तो उन्होंने इसी के लिए चेंज किया ग्रिगोरियन कैलेंडर के हिसाब से। कब चेंज आया, 1582 में, 1582 में ये चेंज किया गया। और 1582 में बस इतना ही चेंज किया कि
365.25 को उन्होंने क्या कर दिया, 365.2425 कर दिया। अब इसकी वजह से चेंजेस क्या क्या हुए, है ना, इसकी वजह से चेंज ही, अब पहला चेंज तो ये हुआ कि 365 डेज और 6 आवर्स जो अज्यूम करते थे वो 6 आवर्स अब नहीं रहा। मतलब हर, आप इतना तो समझ में आ गया होगा कि चेंजेस कुछ ठीक ठाक हुए होंगे इसकी वजह से, है ना। अब मैं एक एक करके आपको बताता हूँ कि क्या क्या चेंजेस हुए। देखो पहला तो मैंने वही बताया आपको कि एक साल चेंज हो गया, मीन्स 365 डेज 5 आवर्स 49 मिनट्स 12 सेकंड्स हो गए एक साल में। दूसरा चेंज ये आया कि अब सिर्फ 4 साल में लीप ईयर आता है, ये चीज़ पूरा सही नहीं है। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, 4 साल में लीप ईयर आता है ये पूरा सही नहीं है। तो सही है क्या, सही जो स्टेटमेंट ये होगा, ध्यान से सुनना, सही स्टेटमेंट ये होगा कि उतना तक सही था कि 4 साल में लीप ईयर आता है, तो 4 साल में लीप ईयर आता है और अगर वो सेंचुरी ईयर है, अब सेंचुरी ईयर क्या होते हैं, 100वां साल, मतलब अभी जैसे 2000, हम लोग लकी हैं कि सेंचुरी ईयर देखे हम लोग, 2000वां साल या 1900वां साल, 1800वां साल, 1700वां साल, ये सब सेंचुरी ईयर कहलाता है। तो ये जो सेंचुरी ईयर होता है, अगर सेंचुरी ईयर है तब वो लीप ईयर तभी होगा जब वो 400 से भी डिविजिबल होगा, जब वो 400 से भी डिविजिबल होगा। सिर्फ 4 से डिविजिबिलिटी इनफ नहीं होगा, है कि नहीं। अब जैसे 2000 ही था, तो 2000 अभी ये डाउट हम लोगों को क्यों नहीं आया, क्योंकि सीधे ही हम लोगों ने 2000वां साल को लीप ईयर बता दिया। हम लोगों ने ये सोचा कि 4 से डिविजिबल है तो ईयर 2000 जो है वो लीप ईयर है, बट एक्चुअली ईयर 2000 4 से डिविजिबल होने की वजह से लीप ईयर नहीं था, क्योंकि वो 400 से भी डिवाइड हो रहा था इसीलिए वो लीप ईयर था। जैसे 1900वां साल था तो 1900 लीप ईयर नहीं था, नहीं था, ये सुन लीजिए आप, 1900 लीप ईयर नहीं था, 1800 लीप ईयर नहीं था, 1700 लीप ईयर नहीं था, 1600 लीप ईयर था, और फिर 2100 जो अगला आएगा सेंचुरी ईयर 2100वां, वो लीप ईयर नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग लकी निकले कि सेंचुरी ईयर भी हम लोगों ने लीप ईयर देखा। जैसे अगर कोई लोग 2000 के बाद आप लोगों का जन्म हुआ है तो अलग बात है, आप लोगों ने नहीं देखा, लेकिन 2000वां साल लीप ईयर क्यों था, क्योंकि वो 400 से भी डिविजिबल था, सिंपल लॉजिक ये है, ठीक है। तो अब आप बोलोगे कि सर आप बता रहे हो कि 1582 में ऐसा कुछ आया, तो उससे पहले कुछ और कैलेंडर फॉलो करते थे, उसके बाद कुछ और कैलेंडर फॉलो करते थे, तो बीच में कुछ दिन का हेरा फेरी नहीं हुआ क्या, कि कुछ डेज ये हो गए, प्रॉब्लम आ गई कि कुछ डेज बढ़ाना पड़ा किसी साल में, 1582 साल में। तो मैं आपको एक और फैक्ट बताता हूँ कि जो मेन ये सब चीज़ें किधर हुआ था, ये सब चीज़ें हुई थी स्पेन में, हुई थी यूरोपियन जगहों पे, हुई थी स्पेन में हुआ था, या उसके आसपास के और जो पुर्तगाल था उधर हुआ था, इटली था, है ना, इन सब चीज़ों में ये चीज़ें स्टार्ट हुई थी। तो उन एरियाज़ में आप ये जान लो कि 4 अक्टूबर, यहाँ नहीं लिखता मैं, जैसे एक दिन था 4th अक्टूबर 1582 बोला ना मैंने, हाँ 1582, इसके बाद 5th अक्टूबर 1582 आया ही नहीं, 6th अक्टूबर 1582 आया ही नहीं, है ना, सीधे ही 4th अक्टूबर आज है और कल का डेट अनाउंस कर दिया गया कि कल डेट होगा 15th अक्टूबर 1582। सोचो अगर आज के समय में ऐसा हो, आपको पता चले कि आज डेट है 4 अक्टूबर और कल का डेट हो गया 15 अक्टूबर, तो ऐसा एक्चुअली हुआ था। कब हुआ था, 1582 ईस्वी में, ठीक है, 4th अक्टूबर के बाद सीधे 15th अक्टूबर हो गया। लेकिन ये कहाँ हुआ था, यूरोपियन कंट्रीज़ में हुआ था, क्योंकि पहले के टाइम में आपको भी पता है कि यूरोपियन कंट्रीज़ ही रहते थे आगे, उनके हिसाब से ही चीज़ें चलती थी, सब पे उन्होंने रूल किया है। तो उन्होंने बोला कि ओके ठीक है, आज 4th अक्टूबर है, कल 15th अक्टूबर होगा। लेकिन अब कई जगहों पे इसका थोड़ा विवाद भी स्टार्ट हो गया कि ऐसे कैसे आप कर सकते हो, ये तो बहुत गलत है, तो कई लोगों ने इस चीज़ को फॉलो नहीं किया। ये भी हुआ कि कई लोगों ने इस चीज़ को फॉलो नहीं किया, लेकिन बाद में सबको रियलाइज़ हुआ कि ये सही था। बाद में जैसे अलग अलग जगहों को अलग अलग, जैसे यहाँ पे ही हम लोग तभी क्या ब्रिटिश में आ जा करते थे, तभी फाइनल नहीं हुआ था, बट बाद में जाके ब्रिटिश में हम लोग इंक्लूड हो गए, क्योंकि इंडिया आया ही कब था, खोजा यूरोपियन ने कब खोजा था हम लोगों को, मुझे जितना थोड़ा सा याद, वैसे मेरी हिस्ट्री बहुत अच्छी नहीं है, बट स्टिल
इंडिया 1498 में आया था शायद, जितना थोड़ा सा मुझे याद आ रहा है 1490s में आया था, और वो भी यूरोप के ही एक आदमी ने खोजा था, हम लोगों को पता ही है, वास्को डी गामा ने हम लोगों को, यूरोपियन ने ढूंढा था, इसलिए बोला गया कि इंडिया इंडिया को 1498 में डिस्कवर किया गया, ठीक है, यूरोपियन के द्वारा। तो बाद में हम लोगों का भी चीज़ें किसके हिसाब से चलेगी, यूरोपियन के हिसाब से चलेंगी। वैसे ही हिंदू का अलग है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, हम लोग जो फॉलो करते हैं 2020 में, ये चीज़ किनके हिसाब से हुआ, यूरोपियन उनकी वजह से हुआ, जो ब्रिटेन वाले हैं, ब्रिटिश लोगों की वजह से हुआ। तो बाकी कंट्रीज़ ने बहुत बाद में फॉलो किया इसे, बहुत सारे कंट्रीज़ ने, जैसे आपको मैंने बताया 1582 में स्पेन ने, पुर्तगाल ने, फ्रांस ने, पोलैंड ने, इटली ने, इन सारे कंट्रीज़ ने उसे फॉलो कर लिया। फिर 2 साल बाद ही जो कुछ और कंट्रीज़ ने फॉलो किया, है ना, फिर 16th सेंचुरी में भी कुछ कंट्रीज़ ने फॉलो किया, जर्मनी ने 1700 ईस्वी में फॉलो किया कि 1700 में हम लोग ये फॉलो करेंगे। सबको ऐसे कुछ कुछ दिन घटाने बढ़ाने पड़े, जैसे इन्होंने 1582 में किया तो आप देख सकते हो कि 10 दिन का इनको डिफरेंस रखना पड़ा, 10 दिन उन्होंने बढ़ा दिया डेट सीधे। अब अगर जापान देखो, जापान ने 1873 में 19th सेंचुरी में किया, है कि नहीं, ऐसे बहुत सारे। अगर ब्रिटिश देखा जाए तो उन्होंने 1752 में किया था, मतलब लगभग 200 साल बाद ये चीज़ उन्होंने अडॉप्ट किया, क्या ये जूलियन कैलेंडर से ग्रिगोरियन कैलेंडर में, तब तक उनका जूलियन कैलेंडर ही चल रहा था, मतलब 365 दिन 6 घंटे ही चल रहे थे उनके, ठीक है, 365 दिन 5 घंटे 49 मिनट 12 सेकंड कब किया, हम लोगों के हिसाब से अगर ब्रिटिश के हिसाब से देखा जाए तो 1752 में किया गया, और वही चीज़ बाद में इंडिया में भी आ गई, सिंपल बात है, इंडिया में भी वही फिर फॉलो किया जाने लगेगा। तो ऐसे आप ये जानोगे नहीं कि चाइना ने 1912 में जाके ये फॉलो किया, 1912 ईस्वी में जाके चाइना ने फॉलो किया, और उसके बाद भी बहुत सारी कंट्रीज़ ने फॉलो किया, ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज़ ने उसके बाद में भी फॉलो किया है, जैसे टर्की में देखा जाए तो 1926 में किया गया, सोचो। और एक और जान के तो आप और भी हैरान हो जाओगे कि ग्रिगोरियन कैलेंडर 2016 में भी एक कंट्री ने फॉलो किया है, 2016, अभी 4 साल पहले, सऊदी अरेबिया ने, जो फेमस कंट्री है, उन्होंने ग्रिगोरियन कैलेंडर 2016 में फॉलो किया, सोचो। तो क्योंकि अडॉप्ट करने में टाइम लगता है, सब अपने हिसाब से अडॉप्ट करना चाहता है, नई चीज़ों को अप्लाई करना चाहता है, कुछ डेज स्किप करने पड़ते हैं। तो आप बोलोगे क्या सबको 10 दिन का ही डिफरेंस रखना पड़ा क्या, तो नहीं, सबको 10 दिन का नहीं, जिन्होंने स्टार्टिंग में किया उनको 10 दिन का था। अब एक सेंचुरी बढ़ा, 18th सेंचुरी में गया, 1700 से 1800 के बीच अगर किसी ने किया तो उसको 11 दिन लग गए, 1800 से 1900 गए तो उसको 12 दिन लग गए, और 1900 से अभी तक अगर गए तो फिर 13 दिन लग गए उसको, और अगर बहुत कंट्री ने अभी भी नहीं किया है, वो अगले कुछ साल बाद करेंगे, अगले सेंचुरी में करेंगे, तो उसको 14 दिन स्किप करने पड़ेंगे, है कि नहीं। तो ये थोड़ा सा हिस्ट्री मैंने आपको बताया कि कैलेंडर का हिस्ट्री क्या था, ठीक है। तो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट्स कुछ मैंने आपको बताया, जो थोड़ा मज़ेदार होता है, अच्छा लगता है जान के, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब मैंने आपको बताया कि 365 दिन 5 घंटे 49 मिनट 12 सेकंड होता है एक कैलेंडर में। तो लीप ईयर के बारे में मैंने आपको बताया कि लीप ईयर ग्रिगोरियन कैलेंडर के हिसाब से सिर्फ 4 साल में नहीं आता है, 4 साल में आता है, वो इनकम्प्लीट है। एक्चुअल क्या है, 4 साल में आता है, और अगर वो सेंचुरी ईयर है तो 400 साल में भी आता है, मीन्स 400 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो ऐसे कई कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताओ 1700, या ऐसे सिंपल बोलेगा कि 1800 लीप ईयर था या नहीं था, है ना, जो ईयर था 1800 क्या वो लीप ईयर था, तो आपका आंसर जनरली लोग बोलेंगे हाँ था, ये तो 4 से डिविजिबल है तो था, बट नहीं था, 1800 लीप ईयर नहीं था। अब कई लोग जिनको ये बात हजम नहीं होगी, थोड़ा टाइम लगेगा एक्सेप्ट करने में, बट ये सच्चाई है, मान लो कि 1800 लीप ईयर नहीं था, ठीक है। तो ये हो गई लीप ईयर की कहानी, ये हो गई हिस्ट्री की कहानी, हम लोगों ने कैलेंडर के बारे में हिस्ट्री थोड़ा सा देखा और क्या होता है। अब मैं आता हूँ कि ओके, डेज़ कैसे कैलकुलेट करोगे सर आप, है ना, कि इस दिन ये डेट डे था, आपने स्टार्टिंग में बोला था कि वो भी बताया जाएगा, तो चलो अब वो स्टार्ट करते हैं हम लोग कि डेज़ कैसे कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो सी क्या होता है, आप ये बताओ कि अब ग्रिगोरियन कैलेंडर ने ये बोला कि पहला जो था, अब वो ऐसा तो होगा कि नहीं 1582 से स्टार्ट करेंगे, वो भी करेंगे कि पहला साल कुछ था, पहला साल का जो फर्स्ट जनवरी 01 ईयर को कौन सा डे था, सवाल ये उठता है कि 1 जनवरी 01 को कौन सा डे था। मैं बोलता हूँ कि वो डे था मंडे, वो डे क्या था, मंडे। ये भी सवाल आता है,
ठीक है, वो डे मंडे था। तो अगर 1 जनवरी 1 को मंडे था तो बताओ, अब यहाँ पे आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग इधर ही रखना पड़ेगा तो ही समझ में आने वाला है, नहीं तो स्किप कर जाओगे, बीच में कहीं मिस हो जाएगा। तो यहीं पे दिमाग रख के आप अच्छे से सोचना, 1 जनवरी 1 फर्स्ट जो ईयर था वो क्या था, मंडे था। तो अब बताओ एक साल में 365 डेज होते हैं जनरली, अगर वो नॉर्मल ईयर है तो 365 डेज होते हैं, अब 1 तो नॉर्मल ईयर ही था तो उसमें 365 कंसिडर किया गया। तो अगर 1 365 डेज थे उसमें, तो 31 दिसंबर 01 को कौन सा डे होगा? अब बताओ ये सवाल आप मन में सोचो एक बार कि 1 जनवरी 1 को मंडे है तो 31 दिसंबर 1 को क्या होगा। तो एक और चीज़ें कुछ और आप देख लो कि 7 डेज होते हैं वीक में, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, ठीक है, ऐसे 7 डेज होते हैं। तो 14 डेज बाद अगर आज मंडे है तो आज मैं 7 ऐड करूँगा तो वापस से मंडे आएगा, आज मैं 14 ऐड करूँगा तो वापस से मंडे आएगा, आज में मैं 21 ऐड करूँगा तो वापस से मंडे आएगा, है कि नहीं। मीन्स आज में मैं 7 से कोई भी नंबर डिविजिबल है, अगर आज में मैं वो ऐड करूँगा 7 से डिविजिबल नंबर को ऐड करूँगा तो वापस से मंडे ही आएगा, है ना। तो अगर आज मैंने बोला कि आज से 8 दिन बाद क्या आएगा, तो अपने को पता है कि 7 डेज बाद मंडे आएगा तो 8 दिन बाद क्या आएगा, ट्यूसडे आएगा, सिंपल सी बात है कि नहीं। तो 1 जनवरी 01 को मंडे था तो 365 डेज ऐड करना पड़ेगा अपने कि 365 डेज क्या था के बाद क्या था। तो हम लोग ये बात सोचेंगे कि 365 डेज में आखिर वीक्स कितने आते हैं, वीक्स कितने आते हैं मीन्स 7 से डिवाइड करो, है कि नहीं। 7 से डिवाइड करोगे तो वीक्स का पता चलेगा कि हाँ इसमें इतने वीक होते हैं, सप्ताह होते हैं। तो 7 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 7 5 35 15 7 2 14 1/7 कितने दिन होते, 52 कंप्लीट वीक होते हैं। मीन्स 364 तक जाके वीक कंप्लीट हो जाता है, मीन्स 364 डिविजिबल है 7 से। मैंने क्या बोला था, अगर 1 में 7 से डिविजिबल कोई नंबर ऐड करोगे तो वही डे वापस से आएगा, तो 364 तो डिविजिबल है, 364 तो डिविजिबल है 7 से, इससे ये पता चलता है। तो 364 डिविजिबल है, मीन्स 1 में 364 ऐड करोगे तब तो 365th डे आएगा जो कि 31 दिसंबर है ना। तो आप अगर 1 जनवरी में 364 ऐड करोगे तो वापस 31 दिसंबर आएगा, तो वो भी क्या होगा, मंडे ही होगा। नहीं समझा, अगर नहीं समझा तो खुद से सोचो कि हमने पहला दिन अगर मंडे लिया, साल का पहला दिन मंडे लिया, तो साल का आखिरी दिन क्या होगा, साल का आखिरी दिन भी मंडे ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि उसमें हम लोगों ने 7 से डिविजिबल एक नंबर को ऐड किया। वैसे भी 364 मीन्स एक दिन एक्स्ट्रा आ रहा है, वीक 52 वीक्स कंप्लीट होने के बाद एक एक्स्ट्रा दिन आ रहा है, तो वो जो एक एक्स्ट्रा दिन है उसको हटा दे अगर, मीन्स 30th दिसंबर को कौन सा डे होगा, वीक कंप्लीट हो गया है, तो वीक मंडे से स्टार्ट हुआ तो ख़त्म कब होगा, संडे पे, तो 30th दिसंबर को संडे हो गया तो 31st दिसंबर को क्या होगा, मंडे होगा वापस से, है कि नहीं। तो ये भी एक अच्छा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया मैंने आपको कि साल का पहला दिन जो होता है साल का आखिरी दिन भी वही होता है कि नहीं, पहला दिन जो है आखिरी दिन भी वही है। तो 1 जनवरी 01 को मंडे था तो 1 जनवरी 02 को क्या था, अब 31 दिसंबर को मंडे आ गया तो 1 जनवरी 02 को क्या आ जाएगा, ट्यूसडे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ट्यूसडे आ जाएगा, है कि नहीं। तो इस प्रकार हम लोग आराम से एक साल का डिफरेंस तो कर ही सकते हैं कि एक साल में अगला दिन ये होगा। जैसे आपको बोला जाए कि हाँ 25th दिसंबर 1952 को संडे था, तो 25th दिसंबर 19 जस्ट अगला साल, मैं एक और एग्जांपल देता हूँ इसी से आप समझोगे कि 25th दिसंबर 1952 को अगर संडे था तो बताओ 25th दिसंबर 1953 को क्या होगा, मंडे होगा, क्या होगा, मंडे होगा, है कि नहीं, क्या होगा, मंडे होगा, एक दिन ऐड हो जाएगा। ये मैं कब बात कर रहा हूँ, लीप ईयर बीच में ना आए तो, लीप ईयर बीच में ना आए तो कई लोग बोलेंगे सर 1952 तो लीप ईयर था। सवाल ये उठता है कि लीप ईयर था 1952, 4 से डिविजिबल है, आप ऐसे कैसे बोल रहे हो कि लीप ईयर नहीं होगा तो वन डे ऐड होगा। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, कन्फ्यूज़ बिल्कुल मत करना, अगर थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी हो तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, लास्ट तक सुनो, आपको सब डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे।
तो यहाँ पे मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर नॉर्मल ईयर होता है और सेम ही डे का अगले साल में आपसे पूछा जाता है तो एक दिन आपको ऐड करना होता है, क्योंकि एक एक्स्ट्रा दिन आ जाता है वीक कंप्लीट होने के बाद साल में, अगर वो नॉर्मल ईयर है तो। ठीक है, तो यहाँ पे 1952 लीप ईयर था, स्टिल मैंने एक ही दिन ऐड किया। क्यों एक ही दिन ऐड किया? क्योंकि लीप ईयर अगर होता है तो प्रॉब्लम किधर आती है? फरवरी में आती है ना, फरवरी में प्रॉब्लम आती है। तो फरवरी में प्रॉब्लम आता है तो क्या ये दरमियान यहाँ से यहाँ तक बीच में 29th फरवरी आ रहा है क्या? फरवरी इन दोनों के बीच में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, तो प्रॉब्लम क्यों आएगा? आ रहा है क्या 25 दिसंबर 1953 तक? नहीं आ रहा है, तो बिल्कुल एक ही दिन ऐड होगा। लेकिन वही मैं पूछा होता कि 3 जनवरी को 1952 अगर संडे था, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि संडे ही होगा, मैं ऐसे एग्जांपल ले रहा हूँ, तो बताओ 3 जनवरी 1953 को क्या होगा? अब ये सोचेंगे कि क्या इन दोनों के बीच में कोई फरवरी आ रहा है क्या? लीप ईयर का फरवरी बिल्कुल आ रहा है, तो एक एक्स्ट्रा दिन ऐड हो जाएगा ना, क्योंकि 366 डेज हो गए अब, तो कितने 365 में एक एक्स्ट्रा डे था, तो 366 में कितने एक्स्ट्रा डे हो जाएंगे? 2 एक्स्ट्रा डे हो जाएंगे। तो अब क्या संडे में 2 दिन ऐड होगा, तो क्या हो जाएगा? ट्यूसडे हो जाएगा, है कि नहीं? अब ये कन्फ्यूजन भी कई लोगों को होता है, वो बोलते हैं कि सर वो लीप ईयर था तो 2 दिन ऐड करो आप। मैं बोलूँगा कि लीप ईयर होने के बाद भी ये सोचना पड़ेगा कि लीप ईयर की वजह से प्रॉब्लम जिस महीने में आ रहा है, क्या वो महीना अपने जो भी रेंज की बात कर रहे हैं साल की हम लोग, क्या उसके बीच में है क्या? अगर बीच में है तो 2 दिन ऐड होगा, बीच में नहीं है तो 2 दिन ऐड नहीं होगा, है कि नहीं? अब आते हैं अपने एक्चुअल कॉन्सेप्ट में, क्या बात हो रही थी? 1 जनवरी 01 की मंडे की बात हो रही थी, तो 1 जनवरी 02 को ट्यूजडे हो जाएगा। ठीक है, अब एक और डेटा मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि 1 जनवरी, देखो मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, 01 को अगर मंडे था तो 31 दिसंबर, पहले मैंने एक साल का गैप आपको दिखाया, ठीक है, एक साल का गैप आपको दिखाया, अब मैं दिखाता हूँ 31 दिसंबर, बताओ 99 को क्या होगा? क्या सेंचुरी, हाँ 99 को क्या होगा बताइए? सोचिए, या 99 आपको थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है कि इसे मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा करना पड़ेगा, तो मैं बोलता हूँ चलो 100 लिख दो। 100 को क्या होगा 31 दिसंबर? 100 को क्या होगा सोचो, 100 को क्या होगा? तो अब दिक्कत हो जाएगी, वापस से मेरा वही कॉन्सेप्ट समझ में मुझे आता है, एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैं आपको दे रहा हूँ कि अगर ये सोचना हो कि आज ये दिन है तो उस दिन क्या दिन होगा, तो जितने दिन वहाँ तक हुए हैं, ध्यान से देखना, जितने दिन वहाँ तक हुए हैं उनके बीच में हैं जितने भी डेज, उसमें ये सोचना है कि अगर 7 से डिविजिबल कोई नंबर आप ऐड करते हो, आज में मैं 7 से डिविजिबल कोई नंबर ऐड करता हूँ तो वही दिन आएगा, मेरे दिमाग में तो यही होता है। और डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर वन आएगा तो अगला दिन क्या हो जाएगा? ट्यूसडे हो जाएगा। रिमाइंडर 2 आएगा तो दिन क्या हो जाएगा? वेंसडे हो जाएगा। सिंपल सी बात है कि नहीं? अगर 7 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 1 आ जाएगा, मैं मंडे की बात कर रहा हूँ, अगर मंडे होता पहला दिन तो क्या आ जाएगा पहला दिन? अगर मंडे से है पहला दिन, आपने बोला कि आज से 100 दिन बाद क्या आएगा, आज मंडे है, बताओ आज से 100 दिन बाद क्या आएगा? तो मैं बोलूँगा कि 100 को डिवाइड करो 7 से डिवाइड किया 100 को, तो रिमाइंडर क्या आएगा? बस मुझे वही चाहिए, रिमाइंडर आएगा 2। रिमाइंडर क्या आएगा? 2 आएगा। तो मंडे में 2 ऐड कर दो, वेंसडे हो गया। मंडे में क्या ऐड कर दो? 2 ऐड कर दो, क्या हो गया? वेंसडे हो गया। सिंपल सी बात है कि नहीं? तो आगे बढ़ते हैं, आगे भी सिर्फ यही सोचेंगे हम लोग कि क्या एक्स्ट्रा डे कुछ आ रहा है क्या, एक्स्ट्रा डे कुछ आ रहा है क्या, ये बस सोचना है अपने को। एक्स्ट्रा डे मीन्स 7 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा उसे ही हम लोग एक्स्ट्रा डे कहते हैं। 7 से डिवाइड करने के बाद जो एक्स्ट्रा डे आएगा वही क्या, जो रिमाइंडर आएगा उसे क्या कहेंगे हम लोग? एक्स्ट्रा डे कहेंगे। ओके, इतना तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अगला सवाल है कि अगर 1 जनवरी 01 को मंडे था तो बताओ 31 दिसंबर 100 को क्या होगा? आप एक मिनट सोचिए इस चीज़ को कि क्या होगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ आपको ये सोचना पड़ेगा कि इन दोनों के बीच सबसे पहले बताओ नंबर ऑफ़ डेज़ कितने थे। अब नंबर ऑफ़ डेज़ जितना भी होगा
अगर उसको मैं 7 से डिवाइड करूँगा, उसको मैं 7 से डिवाइड करूँगा तो क्या होगा, जो भी रिमाइंडर बचेगा वो एक्स्ट्रा दिन हो जाएगा और उतना हम लोग मंडे में ऐड कर देंगे। जो भी एक्स्ट्रा डेज बचेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, मंडे में ऐड कर देंगे। सिंपल सी बात है। तो सवाल ये उठता है कि 100 साल में टोटल डेज कितने होंगे। सवाल ये उठता है कि 100 साल में, पहले 100 साल में, वो भी पहले 100 साल में टोटल डेज कितने होंगे। तो आंसर बहुत सारे आएंगे। एक बोलेंगे कि 365 दिन होता है एक साल में, 365 दिन होता है एक साल में। तो अगर 100 साल की बात हो रही है तो ये 00 कर दो। कई लोग बोलेंगे कि क्या बात कर रहे हो, बीच में लीप ईयर भी तो आएगा, बीच में लीप ईयर आएगा। कितने लीप ईयर आएंगे, 25 लीप ईयर आएंगे, है ना, 25 लीप ईयर आएंगे, तो 25 एक्स्ट्रा दिन होगा, तो 36525 हो जाएगा, है ना। और वो उनको लगेगा कि उनका आंसर बिल्कुल सही है, है ना, उनका आंसर बिल्कुल सही है। तो मैं बोलूँगा अच्छा, अभी एक जस्ट कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि अगर सेंचुरी ईयर होता है तो लीप ईयर तभी होता है अगर वो, लीप ईयर तभी होता है अगर वो 400 से डिविजिबल हो, 400 से डिविजिबल हो। तो क्या 100 400 से डिविजिबल है? नहीं है। तो क्या वो लीप ईयर था? नहीं था। तो पहले 100 साल में कितने लीप ईयर हो गए? आपने सीधे 4 से डिवाइड कर दिया, 25 आ गया, 25 लीप ईयर बता दिया आपने। लेकिन 100वां साल तो लीप ईयर नहीं था ना, तो वो 25 में से एक कम लीप ईयर हो गया ना, है ना। 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 42, 46, 48, 48, 52, 56, 60, यहाँ तक आप काउंट भी अगर ऐसे करोगे तो 100 तो काउंट नहीं करोगे ना, 96 तक ही काउंट करोगे। तो कितने हो गए? 24 ही हो गए। तो क्या आ गया? 36524। पहले 100 साल में सिर्फ इतने ही थे दिन, क्या? 36524, ये करेक्ट आंसर था, है ना। करेक्ट आंसर क्या था? कई लोग इसमें बोलेंगे, बहुतों का आंसर 36525 होता है, बट आंसर क्या होगा अपने, मतलब एक्चुअल आंसर क्या होगा? एक्चुअल आंसर होगा 36524। क्या होगा? 36524। अब सवाल उठता है कि ओके ठीक है, ये नंबर ऑफ डेज हो गए, तो बताओ कि ये डेट क्या होगा। तो थ्री क्या करेंगे, मैंने अभी आपको बताया था, जितने भी डेज हो इसके बाद उतना डे अपने को ऐड करना है, है ना, उतने दिन थे। तो 36524 में हम लोग क्या कर देंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे। तो 7 से डिवाइड, आप ये तो डिवाइड करना आपको आएगा, 7 5 35 15 7 2 14 1 2 7 1 7 5 4 7 7 49, तो 5/7, ओके। तो इतने कंप्लीट वीक्स होंगे और 5 डेज एक्स्ट्रा होगा, और कितने डेज एक्स्ट्रा होगा, 5 डेज एक्स्ट्रा होगा। तो लास्ट डे क्या होगा? कई लोग बोलेंगे इसमें 5 ऐड कर दो, नहीं 5 ऐड नहीं करना है, क्या ऐड करना है, 4 ही ऐड करेंगे। आप बोलोगे क्यों? क्योंकि इतना डेज टोटल होता है और ये डे उसमें ही इंक्लूडेड है। अगर पूछा जाता 1 जनवरी 02 को क्या डेट होगा तो 5 ऐड करते, है ना, वही हो रहा था ना, 1 ऐड करते थे जब पूछा जाता था कि 1 जनवरी 1 को ये है, तो 1 जनवरी 1 को पूछा जाएगा तो आप बोलोगे एक दिन ऐड कर दो, ट्यूसडे ऐड कर दो, है ना, क्योंकि 365 ऐड किया आपने। तो 1 जनवरी में क्या ऐड करने पे 31 आ रहा है, ये नंबर ऐड करने पे क्या, नहीं, इससे एक कम ऐड करने पे आ रहा है। तो क्या बचा, 4 ही बचे ना, तो 4 ऐड करो, मंडे में क्या आता है, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे। तो 31 दिसंबर 100 को फ्राइडे था। ये भी क्वेश्चन आता है कई बार कि अकॉर्डिंग टू ग्रिगोरियन कैलेंडर व्हाट वाज द डे ऑफ 31 दिसंबर 100, तो आंसर क्या था, फ्राइडे, आंसर क्या था, फ्राइडे, ओके। तो आपको भी ये पता होना चाहिए। ऐसे 2-4 और चीज़ें मैं बताता हूँ, और ये एक्चुअली क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेंचुरी ईयर के लास्ट में क्या आ रहा है। सेंचुरी ईयर के लास्ट में फर्स्ट जो सेंचुरी था ग्रिगोरियन कैलेंडर के हिसाब से वो क्या था। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि ये एक्चुअल नहीं है,
एक्चुअली में 1 जनवरी 01 को मंडे नहीं था एक्चुअली में 1 जनवरी 01 को मंडे नहीं था, क्योंकि तब भी ग्रिगोरियन थोड़ी फॉलो करते थे हम लोग, जो ह्यूमन बीइंग था जो नॉर्मली था द यूरोप वाले, वो थोड़ी ये फॉलो करते थे। वो क्या फॉलो करते थे, वो तो जूलियन फॉलो करते थे। तो जूलियन के हिसाब से क्या डे मंडे बिल्कुल नहीं था, ठीक है, जूलियन के हिसाब से कुछ और डे था और वो सैटरडे था। अब करके देखना, वो जूलियन के हिसाब से तभी एक्चुअली सैटरडे था, बट हम लोग ग्रिगोरियन फॉलो कर रहे हैं तो उसके हिसाब से क्या था, मंडे था, ठीक है। तो 31 दिसंबर 100 को क्या गया, फ्राइडे आ गया। तो आप पेशेंस बनाए रखिए, अगर ये सब चीज़ नहीं आपको मैं बताऊँगा तो आगे समझ में नहीं आने वाला है कि आखिर डे कैसे आएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल मैं ही पूछता हूँ। तो 1 जनवरी, हाँ तो 1 जनवरी 101 को क्या आएगा, 101 को क्या होता, सैटरडे होता है ना। तो अब 31 दिसंबर 200 को क्या होता, वापस से 5 एक्स्ट्रा डेज होंगे, है ना। अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, एक फैक्ट मैंने आपको बताया कि पहला जो सेंचुरी था उसमें 5 एक्स्ट्रा डेज थे। कितने एक्स्ट्रा डेज थे, 5 एक्स्ट्रा डेज थे, ठीक है। तो 5 एक्स्ट्रा डेज थे, तो यहाँ पे सैटरडे में मैं 5 ऐड करूँगा क्या, नहीं, क्या ऐड करूँगा, 4 ही ऐड करूँगा। अगर 5 ऐड करता तो इसका जस्ट अगला दिन हो जाता, क्योंकि पूरे सेंचुरी में 5 एक्स्ट्रा डेज हैं। आप इस चीज़ को समझा, इसमें आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, बट इस चीज़ को समझो मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, कि उस सेंचुरी में 5 एक्स्ट्रा डेज हैं, तो सेंचुरी के लास्ट डे में सिर्फ 4 ही ऐड करेंगे। हाँ, लेकिन वो अगर किसी डेट में टोटल सेंचुरी आप ऐड कर रहे हो, तो 1 जनवरी 01 में आप एक सेंचुरी ऐड करोगे तो 1 जनवरी 101 आएगा, है ना। 1 जनवरी 101 ऐड करेगा, आएगा, मीन्स उसमें आप 5 मंडे में 5 ऐड करोगे तो 1 जनवरी 101 का डे आएगा। अब मंडे में 5 ऐड करो, ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, देखो सैटरडे ही आ रहा है, ठीक है। उसी प्रकार आप 1 जनवरी यहीं पे मैं लिख देता हूँ, अगर 201 करोगे तो वापस से 5 ऐड करोगे तो सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे आएगा, है कि नहीं। सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे, और वही अगर 1 जनवरी आप 301 को फाइंड करोगे तो क्या आएगा, वापस से 5 ऐड करोगे आप, तो थर्सडे में 5 ऐड किया तो क्या आ गया, थर्सडे में 5 ऐड किया तो क्या आ गया, अब खुद सोचो, थर्सडे में 5 ऐड किया तो फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे, ठीक है। और इसी में मैं लास्ट डे बोलेगा, अब ये सैटरडे था तो ये क्या होगा, संडे, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, थर्सडे से जस्ट पहला वाला ना वेंसडे, और ये 31 दिसंबर 300 क्या होगा, 301 का जस्ट पहला वाला, ट्यूसडे से जस्ट पहले क्या आता है, मंडे। और 31 दिसंबर, अभी सवाल यहाँ पे उठता है कि 400 को क्या था, क्या मैं ट्यूसडे से मैं 4 ऐड करूँगा, क्योंकि मंडे में 4 ऐड करने पे फ्राइडे आया था, सैटरडे में 4 ऐड करने पे वेंसडे आया था। 4 क्यों ऐड किया था, क्योंकि वो साल ख़त्म जिस दिन हुआ उससे एक दिन पहले की बात, मतलब उसमें 101 सेंचुरी ऐड करने के बाद जो डे आया उससे जस्ट एक दिन पहला दिन है ये, तो सेंचुरी ऐड करने में 5 ऐड किया था हम लोगों ने, तो उससे एक दिन पहले तो 4 ही ऐड करेंगे ना, है कि नहीं। तो यहाँ भी क्या है, 4 ही ऐड किया था इसमें, यहाँ भी 4 ही ऐड किया, तो क्या यहाँ भी 4 ही ऐड करेंगे, नहीं, 4 इसीलिए ऐड कर रहे थे, या फिर 5 एक्स्ट्रा डेज आ रहा था तो 4 ऐड कर रहे थे। तो 5 एक्स्ट्रा डे कब आ रहा था, जब वो नॉर्मल सेंचुरी ईयर था, जब वो नॉर्मल सेंचुरी ईयर था तो 5 एक्स्ट्रा डेज आ रहे थे, लेकिन ये लीप सेंचुरी ईयर है, मीन्स 400 वाला क्या लीप ईयर है, तो ये सेंचुरी में 301 से लेके 400 तक कितने डेज होंगे, 365 डेज होंगे, है कि नहीं। जनरली क्या था, 365 डेज ही था, मैंने कहाँ लिखा था, जहाँ भी लिखा था कि एक सेंचुरी ईयर में 365 डेज हुआ करते हैं नॉर्मली, बट सेंचुरी ईयर अगर लीप हो तो 365 हो जाएगा, क्योंकि अब 400th ईयर भी लीप ईयर है, तो इसमें अब 5 ऐड करेंगे, तो ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, वापस से क्या होगा, संडे। तो फ्राइडे वेंसडे मंडे और संडे आता है। तो क्वेश्चन इस तरह से भी पूछे जाते हैं कि आप बताओ कि क्या सेंचुरी का लास्ट ईयर, अब 400 के बाद वापस से रिपीट होगा, अब बताओ 400 के बाद 1 जनवरी 401 को क्या होगा, तो संडे के बाद क्या आता है, मंडे आता है। देखो क्या हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं, वापस से मंडे आ गया। तो हर 400 साल में चीज़ें रिपीट होती है, 400 साल में सेम ही कैलेंडर आ जाता है, ठीक है। 100 साल में सेम कैलेंडर या 4 साल में सेम कैलेंडर, ऐसा कुछ नहीं है, कितने साल में सेम ही कैलेंडर आता है, हर 400 साल में, मीन्स आज जो डे है 400 साल पहले भी वही दिन था,
आज अगर कोई भी दिन है, आज अगर थर्सडे है, तो 400 साल पहले भी थर्सडे था, है कि नहीं? 400 साल में वो बिल्कुल सेम कैलेंडर आ जाता है, मीन्स 2021 का, अगर 2020 साल है ये, तो 2020 साल 1620वें साल के बराबरी है। 1620वां साल का कैलेंडर उठा के देख लो, 2020 का कैलेंडर दोनों का सेम ही रहेगा, है कि नहीं? आप खुद ही देख लो, आपने खुद भी यहाँ पे प्रूव किया, ये मंडे के बाद वापस मंडे, और वापस से अगर मैं 31 दिसंबर 500 पूछूँ तो क्या होगा? फ्राइडे होगा, है ना? 31 दिसंबर अगर मैं पूछूँ 600 बताओ तो क्या होगा? वेंसडे होगा। 700 क्या होगा? मंडे होगा, है कि नहीं? 800 क्या होगा वापस से? संडे होगा। तो 400 साल में कैलेंडर रिपीट होता है, ठीक है? 400 साल में कैलेंडर रिपीट होता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट था। अब यहाँ पे कई सारे क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं कि किसी सेंचुरी ईयर का जो पहला दिन होता है, किसी सेंचुरी ईयर का जो पहला दिन होता है वो क्या कभी नहीं हो सकता है? मैंने क्या पूछा? सेंचुरी का जो पहला दिन होता है वो क्या कभी नहीं हो सकता है? तो हो क्या क्या सकता है? मंडे, सैटरडे, थर्सडे, ट्यूसडे हो सकता है। तो क्या नहीं हो सकता है? क्या कभी वेंसडे हो सकता है क्या पहला दिन? नहीं हो सकता है। इन सब में वेंसडे कभी नहीं है, और यही रिपीट होने वाला है आगे भी। क्या कभी फ्राइडे हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। वेंसडे, फ्राइडे और संडे, ये तीन दिन ऐसा है जो सेंचुरी ईयर का पहला दिन कभी नहीं हो सकता है। क्या क्या? वेंसडे, फ्राइडे और संडे, सेंचुरी का फर्स्ट डे कभी नहीं हो सकता। फर्स्ट डे ऑफ सेंचुरी कभी नहीं हो सकता है। देखो क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। और जो लास्ट डे होता है सेंचुरी का जो लास्ट डे होता है वो क्या कभी नहीं हो सकता है? तो फ्राइडे, वेंसडे, मंडे, संडे हो सकता है। तो ट्यूसडे कभी नहीं हो सकता है, थर्सडे कभी नहीं हो सकता है, और सैटरडे कभी नहीं हो सकता है। लास्ट डे ऑफ सेंचुरी ये सब कभी नहीं हो सकता है। कितने अच्छे क्वेश्चंस बने ये सब। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अब से ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ सेंचुरी का लास्ट डे क्या नहीं हो सकता है। ऑप्शंस होंगे चार, फ्राइडे पहला ऑप्शन होगा, दूसरा वेंसडे होगा, तीसरा मंडे होगा और चौथा ट्यूसडे होगा। तो आंसर क्या होगा? ट्यूसडे, कि ट्यूसडे कभी नहीं हो सकता है कि नहीं? वैसे ही फर्स्ट डे ऑफ सेंचुरी के लिए भी पूछा जा सकता है। तो ये सारे कुछ बहुत अच्छे फैक्ट्स मैंने आपको बताए, और यही चीज़ें रिपीट होता रहेगा। ये पहला 400 साल का देखा, तो इसके बाद अगला 400 साल, 401 से लेके 800 तक भी यही होगा, 801 से लेके 1200 तक भी यही होगा, 1201 से लेके 1600 तक यही होगा, और 1601 से लेके 2000 तक यही होगा, है कि नहीं? तो ये कहानी होती है पूरी कैलेंडर की। तो आप बोलोगे कि सर अभी तक नहीं आया, तो कि आज का डे कैसे फाइंड करें, कोई भी डेट का डे कैसे फाइंड करेंगे? अब मैं आपको बताता हूँ, अब उस पार्ट पे आते हैं। अब एक सेंचुरी में 5 डेज एक्स्ट्रा होते हैं, ध्यान से देखना, एक सेंचुरी में 5 डेज एक्स्ट्रा होते हैं, ठीक है? अब एक्स्ट्रा डे का मीनिंग क्या होता है? अगर 1 एक्स्ट्रा डे हो तो उस दिन को क्या कहेंगे? उस दिन को कहेंगे मंडे। अगर एक दिन हो अपने पास, एक ही दिन है, देखो 1 जनवरी एक दिन हुआ, तो अगर 1 एक्स्ट्रा डे हुआ तो वो क्या कहेंगे? मंडे। अब मैं इसी चीज़ में किसी को कन्फ्यूजन हो तो मैं बता देता हूँ कि 1 जनवरी मंडे है, तो 8 जनवरी भी क्या था? मंडे था। तो 8 तक कितने एक्स्ट्रा दिन थे? एक एक्स्ट्रा दिन था। अगर 8 में 7 से भाग दो तो रिमाइंडर क्या आता है? 1 आता है। तो 1 क्या हो गया? एक्स्ट्रा डे हो गया। तो 1 एक्स्ट्रा डे मीन्स क्या आ गया? मंडे। तो ये चीज़ पहले तो आप लिख लो कि 1 एक्स्ट्रा डेज में लिख देता हूँ, या इसी को ऑड डेज भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऑड डेज। तो मैं कभी एक्स्ट्रा डेज बोलूँगा, कभी ऑड डेज बोलूँगा, आपको पता होना चाहिए। अगर 0 1 हो तो उसे क्या बोलेंगे? मंडे बोलेंगे। अगर 2 दिन हो तो क्या बोलेंगे उसे? ट्यूसडे बोलेंगे। अगर 3 एक्स्ट्रा डे हो तो ऑड डे तो क्या बोलेंगे? वेंसडे बोलेंगे। 4 हो तो थर्सडे, 5 हो तो फ्राइडे, 6 हो तो सैटरडे, और 7 हो तो, 7 हो सकता है क्या? 7 से भाग दे रहे हो, 7 होने के बाद वीक ही कंप्लीट हो जाएगा ना, तो 7 तो हो ही नहीं सकता। क्या हो सकता है? 0 हो सकता है। 0 हो जाए तो क्या होगा? संडे। तो यहाँ पे और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई लोगों से भी डाउट रहता है कि एक ऑड डे के बाद सर संडे होना चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 1 ऑड डे के बाद मंडे होता है, ठीक है? तो ये हो गया। हम लोग अब यहाँ पे बेसिक फंडा यही है कि हम लोग सिर्फ एक काम करेंगे कि टोटल कितना दिन हुआ है, 7 से भाग देंगे, रिमाइंडर 1 आया मंडे है, रिमाइंडर 2 आया ट्यूसडे है, रिमाइंडर 3 आया वेंसडे है, रिमाइंडर 4 आया थर्सडे है। इस प्रकार हम लोग फाइंड करेंगे। सिंपल लॉजिक ही है, ठीक है?
अब देखो तुम बोलोगे कि सर इसका क्या यूज़ है, मैं अभी बताता हूँ। अब जैसे पहला सेंचुरी आया है कि नहीं, पहला सेंचुरी आया, पांच ऑड डे आया, पहला सेंचुरी में पांच ऑड डे आया, मतलब पहला सेंचुरी पूरा इंक्लूड में कर रहा हूँ, पहला सेंचुरी में 31 दिसंबर 100 की बात कर रहे हैं, पांच ऑड डे आया, पांच ऑड डे को क्या बोल दिया, फ्राइडे बोल दिया है कि नहीं, पांच ऑड डे पे फ्राइडे है ना। दो सेंचुरी में कितने ऑड डे हो गए, दो सेंचुरी में इंक्लूड करो तो पहले सेंचुरी में पांच ऑड डे, दूसरे सेंचुरी में पांच ऑड डे, पाँच पाँच दस सीधे ही ऐड कर देते ना मंडे से वापस, एक एक अलग अलग क्यों काउंट करना, पहले सेंचुरी में पाँच ऑड डे, दूसरे सेंचुरी में फिर से पाँच ऑड डे, टोटल 10 ऑड डे हो गए। तो 10 तो ऑड डे हो ही नहीं सकता है, तो 10 ऑड डे हो नहीं सकता है तो हो कितना सकता है, 10 में 7 दिन तो वीक का कंप्लीट हो गया, तो 3 ही ऑड डे बचे ना, बचे ना। वैसे भी 10 जैसे ही ऑड डे 7 से ज़्यादा होगा उसमें हम लोग 7 से भाग दे देंगे, तो 10 ऑड डे हो गए, 10 में अगर आप 7 से भाग दोगे 3 बचेगा, तो 3 मीन्स क्या होता है, वेंसडे होता है। देखो हमने भी क्या फाइंड किया था, दो सेंचुरी के बाद वेंसडे फाइंड किया था, तीन सेंचुरी में पाँच प्लस पाँच प्लस पाँच कर दूँ 15 होता है, 15 मीन्स क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, 15 मीन्स 1, 15 मीन्स 1 ऑड डे, क्योंकि 15 / 7 रिमाइंडर क्या बचेगा, 1, 1 ऑड डे मीन्स क्या, मंडे, आप देख लो थर्ड मंडे था। तो यहाँ से पता चलता है कि ऑड डे बिल्कुल परफेक्ट चीज़ है, बस हम लोगों को दिन काउंट करना है। तो सेंचुरी का तो ऑड डे बता दिया मैंने कि फर्स्ट 1001 से लेके 10 तक कितने ऑड डेज थे, लास्ट में सबको कंक्लूड करूंगा मैं तो समझ में आएगा आपको, 10 और 200 साल तक है ना, एक मिनट, 1 ऑड डे था, एक मिनट, फर्स्ट सेंचुरी में कितने ऑड डे थे, 1, सेकंड में, या फिर मैं सेकंड सेंचुरी को इस तरह से भी लिख सकता हूँ, सेकंड सेंचुरी को मैं बोलूँ कि टिल 200 कितने ऑड डे हो गए, तो फर्स्ट सेंचुरी में 1 नहीं था, यहाँ थोड़ा सा जल्दी जल्दी मैंने गलत लिख दिया, वो तो अभी मैंने देख बताया था आपको कि कितने ऑड डेज थे, 5 ऑड डेज थे, एक जनरल सेंचुरीज में 5 ऑड डेज होते हैं। तो टिल 200 में क्या, पहला 100 ईयर्स का 100 5 ऑड डेज, दूसरे 100 ईयर्स का 5 ऑड डेज, 5 प्लस 5 क्या हो गया, 10, 10 मीन्स क्या हो जाता है, 3, टिल 300 कितने ऑड डेज थे, वापस से 3 में 5 ऐड कर दो क्या, या आप चाहो तो 5 प्लस 5 प्लस 5 भी कर सकते हो, या फिर हर एक 100 साल का 5 ऑड डे ऐड करना है, तो 3 प्लस 5 क्या हो गया, 8 हो गया, 8 मीन्स कितने ऑड डे, 8 डिवाइड बाय 7, 1 ऑड डे है ना। और टिल 400 कितना हो गया, अब 5 तो ऐड नहीं करेंगे ना, एक जनरल ईयर में 5 ऑड डेज होता है, लीप ईयर में कितने, अगर लीप जनरल सेंचुरी में 5 ऑड डेज होता है, लीप सेंचुरी में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना, क्योंकि 400वां साल भी लीप ईयर था, तो एक दिन एक्स्ट्रा हो गया, तो वो भी तो ऐड करना पड़ेगा, वो भी तो ऐड करना पड़ेगा, तो वो कितना हो गया, 1 में 6 ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा, 1 में कितना ऐड करेंगे, 6 ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा, है कि नहीं, ये सिंपल बात है। ओके आगे बढ़ते हैं। अब टिल वापस से 500 कितना था, सेंचुरी की बात कर रहा हूँ मैं, 5 वापस से 5 आ जाएगा, फिर 3, फिर 1, फिर 0, 5310, 5310, 5310 है कि नहीं, कहानी ऐसे ही बढ़ती रहेगी। मीन्स मैं ये बोल सकता हूँ कि 400 से डिविजिबल है तो वहाँ तक 0 ऑड डे हो गए। मीन्स अगर मैं 2000 साल की बात करूँ तो 2000 साल कंप्लीट होने तक 0 ऑड डे हो गया था। मीन्स 31 दिसंबर 2000 को संडे था, क्योंकि 0 ऑड डे होने पे संडे होता है, तो 2000 साल कंप्लीट जब हुआ था, मीन्स 31 दिसंबर 2000 को क्या था, संडे था। मीन्स 1 जनवरी 2001 को क्या था, मंडे था। 1 जनवरी 2001 को क्या था, मंडे था, है कि नहीं। हर 400 से डिविजिबल सेंचुरी ईयर होने के बाद जो अगला दिन होता है वो मंडे ही होता है। आप ये फैक्ट चेक कर सकते हो कि 1 जनवरी 2001 को क्या था, मंडे था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये आपको कहानी पता चली किसकी, ऑड डेज की, 5310 5310। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर 800 कंप्लीट हो गया तो 0 ऑड डे, 900 कंप्लीट हो गया तो 5 ऑड डेज है ना, और 1000 ईयर्स कंप्लीट हो गए तो वापस से 3 ऑड डेज।
तो 1900 ईयर्स कंप्लीट होने के बाद, क्योंकि जनरली आपसे 1952 1962 19 सेंचुरी कंप्लीट होने के बाद की ही कहानी की जाएगी, तो 1900 ईयर कंप्लीट होने के बाद कितने ऑड डेज थे अगर ये पूछा जाएगा, तो आंसर कैसे दोगे कि 1600 क्योंकि 400 से डिविजिबल है तो जीरो ऑड डेज हो गए, 1700 का वापस से 5, 1800 का 3, 1900 का 1, ठीक है, मैं लिखूंगा, लिख देता हूँ, टिल 1700 कितने ऑड डेज थे, ऑड डेज कितने थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑड डेज ही तो इंपॉर्टेंट है, 5, टिल 1800 कितना था, 3, टिल 1900 कितना हो जाएगा, 1, टिल 2000 कितना हो जाएगा, 0 ऑड डेज। अब हम लोगों ने 80% कहानी कंप्लीट कर दी है, 18% पार्ट हो गया है, हम लोगों ने सेंचुरी तक ख़त्म कर दिया कि हाँ अगर पूछा जाएगा कि 1900 जो था, 1900 कंप्लीट होने के बाद जो पहला दिन था 1 जनवरी 1901 को कौन सा डे था, है ना, तो क्या बोलेंगे हम लोग, पहले तो 5 ऑड डेज कंप्लीट करो, मींस 5 ऑड डे कंप्लीट होने के बाद, 5 ऑड डे होता है कि फ्राइडे होता है, मींस 19th सेंचुरी का लास्ट डे फ्राइडे था, तो सॉरी 1900 ईयर्स का जो लास्ट डे था वो क्या था, फ्राइडे था, कुछ गलती तो नहीं कर रहा हूँ, नहीं वन ही ऑड डेज थे ना, तो वन ऑड डे, सॉरी थोड़ा सा गलत बोल दिया, वन ऑड डे मींस क्या हो गया, मंडे था, मींस 1900 का जो लास्ट डे था 31st December 1900, उस दिन क्या था, मंडे था, तो 1901 1 जनवरी 1901 को क्या होगा, ट्यूसडे होगा। तो अब मैं बताता हूँ क्या करना है, किसी भी डेट का अगर डे जानना हो तो उससे एक दिन पहले तक का, ठीक है, या फिर वहाँ तक का ही हम लोग टोटल क्या करेंगे, जिस भी डेट का हम लोगों को फाइंड करना है, अगर हम लोगों को 5 सितंबर 1993 का डे फाइंड करना है, तो टारगेट हम लोग ये रखेंगे कि 5 सितंबर 1993 तक का टोटल ऑड डेज फाइंड करेंगे। फिर से बोलता हूँ मैं, जिस भी डेट का डे फाइंड करना होगा वहाँ तक का हम लोग टोटल ऑड डेज फाइंड करेंगे, ऑड डेज जो भी आएगा उसके हिसाब से हम लोग डे बता देंगे, जीरो ऑड डे मीन्स संडे, वन ऑड डे मीन्स मंडे, टू ऑड डेज मीन्स ट्यूसडे, थ्री ऑड डेज मीन्स वेंसडे एंड सो ऑन, ऐसे कहानी बढ़ेगी, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि कैसे वहाँ तक का ऑड डेज फाइंड करते हैं। अब मैं एक जनरल कोई डे ले लेता हूँ, जैसे मैंने एक डे ले लिया, सबसे फेमस दिन 15th August 1947, फाइंड करते हैं कि यहाँ तक कितने ऑड डेज होते हैं, ध्यान से देखना कैसे फाइंड करेंगे, प्रैक्टिस होने के बाद बहुत जल्दी होगा। सबसे पहला काम सेंचुरी का पता करना कि 19 सेंचुरी ख़त्म हो चुका है, मींस 1900 तक ख़त्म हो चुके हैं हम लोग, ठीक है, 19th सेंचुरी वैसे वो नहीं है, हम लोग अभी 21st सेंचुरी में हैं, तो उससे जस्ट पहले 20th सेंचुरी था, तो 1900 के 1947 क्या था, 20वीं सदी थी वो, ठीक है, तो सदी 20वीं थी बट 1900 तक ख़त्म हुआ, तो 1900 तक मैं ऑड डेज बताता हूँ आप, टिल 1900 कितने ऑड डेज हो गए, वन ऑड डे हो गए। अब टिल 31st December ऐसा मैं लिखूंगा, 31st December 1946 कितने ऑड डेज हो गए, अब 1900 साल ले लिया, 46 साल में कितने ऑड डेज होंगे। अब मैं आपको बता दूं, हर एक साल में एक ऑड डे होता है, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि जब 365 को 4 से भाग दोगे तो वन रिमाइंडर बचता है, तो वन रिमाइंडर बचता है तो मीन्स वन ऑड डे हो गया, तो हर एक नॉर्मल ईयर में वन ऑड डे होता है और लीप ईयर में दो ऑड डे होता है। तो देखो मैं क्या करूँगा, 46 बचे ना, 46 का 46 ऑड डे तो होगा ही, हर एक साल का एक एक ले लिया, और जो लीप ईयर्स होंगे उसमें एक एक्स्ट्रा ऑड डे होगा, तो 46 में कितने ऑड डे होंगे, कितने लीप ईयर होंगे, 12 11, 46 तक कितने लीप ईयर होंगे, 11, तो 11 लीप ईयर्स में दो दो ऑड डेज होंगे, तो वो दो ऑड डे का एक ऑड डे तो 46 में इंक्लूड कर लिया, क्योंकि हर एक साल का एक दिन ले लिया हमने, और वो जो 11 लीप ईयर्स थे उसका एक एक्स्ट्रा जो डेज आया उसे मैंने अलग से ऐड कर दिया, तो 31st December 1946 तक इतने ऑड डेज हो गए। अब बात करते हैं 15th August की, अब टिल 15th August
15 अगस्त 1947 तक आते हैं। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा, अब हर एक मंथ का आप लिख लो, जनवरी में 31 दिन होते हैं तो 3 और डे, क्योंकि 31 को 7 से भाग दो, ये आपको हो सकता है भी टफ लगे, बट आगे मैं और भी बहुत ट्रिक बताऊंगा जिससे ये बहुत आसान हो जाता है। जनवरी में 3 और डे, ठीक है, फरवरी में अगर 1947 लीप ईयर नहीं था तो फरवरी में 28 दिन, 28 तो कम्प्लीटली डिविजिबल है तो और डे है ही नहीं, है ना। मार्च में 3 और डे, अप्रैल में 2 और डे, अब ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पता होगा कि हर मंथ में कितने दिन होते हैं, ठीक है। तो ये जनवरी फरवरी का 0 हो गया, चलो वो भी लिख देता हूँ मैं, फरवरी मार्च का 3, अप्रैल का 2, मई का 3, मई में 31 होते हैं, जून का 2, जुलाई का 3, अगस्त का नहीं, अलग से 31 नहीं काउंट करेंगे क्योंकि 15 तो अगस्त तक जाना है, तो प्लस 15। स्टार्टिंग में थोड़ा सा टफ लगेगा, मैं बार बार बता रहा हूँ, बट ये बहुत आसान हो जाएगा बाद में ये। अब इसको या तो ऐड करके 7 से डिवाइड कर दो, लेकिन मेरा काम होता है कि 7 जैसे ही कंप्लीट होता हुआ देखे उसे मैं ख़त्म कर देता हूँ, क्योंकि 7 कंप्लीट हो गया, वीक कंप्लीट हो गया, उसे क्यों ऐड करना है। तो मैं एक काम करूँगा, देखो या तो इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, 46 प्लस 11 चलो ऐड कर दो, आपका मन कर रहा है तो 57, 57 में अगर आप 7 से डिवाइड करोगे तो 1 ही तो बचता है, ठीक है। तो यहाँ से 1 ऑड डे आ गया, यहाँ पहले से 1 ऑड डे था, यहाँ से देखना एक एग्जांपल से मे भी आपको 20-30% ही समझ में आए, बट बहुत सारे एग्जांपल करोगे तो समझ में आ जाएगा। आगे इसके बाद इससे मैं लिखता हूँ कितना आएगा, 3 + 3 = 6, 6 + 2 = 8 होगा, तो 8 को 1 बोल दूँ, 8 को 1 बोल देता हूँ, क्योंकि 8 / 7 1 रिमाइंडर आता है, यहाँ 1, 3 + 1 = 4, 4 + 2 = 6, 6 + 3 = 9, 9 + 15 तो 1 होता है, तो 9 + 1 = 10, 10 - 3, क्योंकि वापस से देखो 10 - 3 में क्यों बोल रहा हूँ, 10 / 7 क्या होता है, 3 रिमाइंडर बचता है, 3 बच गया, तो 3 + 1 + यहाँ तक टोटल कितने ऑड डेज आए, 5 ऑड डे आए, और 5 का मीनिंग क्या होता है, फ्राइडे, 5 का मीनिंग क्या होता है, फ्राइडे, मीन्स अगर आपसे कोई पूछेगा कि बताओ 15 अगस्त 1947 को क्या डे था, तो आप क्या बताओगे, फ्राइडे, क्या होगा, फ्राइडे। आप चेक कर सकते हो 15 अगस्त 1947 को क्या था, फ्राइडे था, चेक कर लेना आपको वही मिलेगा, ठीक है। एक और मैं करके दिखाता हूँ, उससे और बेटर समझ में आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट क्या इंपॉर्टेंट है, 26 जनवरी 1950 को कौन सा डे था, वापस से मैं लिखूंगा, टिल 1900 क्या डे था, कितने ऑड डे, 1 ऑड डे। अब इससे एक साल पहले तक 31 दिसंबर 1949 सही है, यहाँ तक कितने ऑड डे हो गए। अब 49 साल का 49 तो मैं ऐड करूँगा, पर मैं फिर मैं देखूंगा 49 साल में कितने लीप ईयर्स थे, 12, है ना, तो यहाँ तक ये ख़त्म कर दिया। अब मैं लिखूँगा टिल 26 जनवरी 1950, अब ये तो और भी आसान है, हर एक महीने का ऐड भी नहीं करना पड़ेगा, तो 26 का सीधे 26 ऐड कर देता हूँ, यहाँ देखो 49 तो कम्प्लीटली डिविजिबल है, 7 से ख़त्म कर दिया, 12 को 7 से सीधे भाग दे दो, 5 बचा, 5 + 1 = 6, यहाँ हो चुका है, जाने दो, यहाँ से मैं 5 लिख देता हूँ, और 26 को करोगे तो कितना बचेगा, 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 5, ठीक है। वापस से 5 + 5 = 10 + 1 = 11, 11 / 7 रिमाइंडर क्या बचता है, 4, रिमाइंडर क्या आया, 4, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये फ्राइडे था, मीन्स भारत कब आज़ाद हुआ था, भारत आज़ाद हुआ था फ्राइडे को, और भारत गणतंत्र कब हुआ था, मीन्स रिपब्लिक कब हुआ था, 4 और डेज बचे, 4 मीन्स क्या था, थर्सडे, तो कब था, थर्सडे को रिपब्लिक डे हम लोगों का इंडिया रिपब्लिक हुआ था। अगर थोड़े अच्छे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जाओगे ना तो ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है कि इंडिया कौन से दिन रिपब्लिक हुआ था, मीन्स 26 जनवरी 1950 को कौन सा डे था, तो क्या था, थर्सडे था। और भी ऐसे कई इंपॉर्टेंट डेज आप ले सकते हो, अब मैं एक और ऐसे एक दो और लेके दिखाता हूँ। अगला मैं लेता हूँ कोई भी, चलो जनरल डेट ले लेते हैं हम लोग, 26 मार्च, 26 तो ऑलरेडी ले लिया ना, 20th मार्च लेता हूँ, 20th मार्च
मार्च डे मैं ले लेता, ईयर ले लेता हूँ मैं 1976, इस दिन को कौन सा डे था, चलो फाइंड करते हैं। देखो कितना इजीली हम लोग फाइंड कर पा रहे हैं, आप ये समझो कितना, आप ये बहुत ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है और आप लोग इजीली सीख जा रहे हो और इजीली आप लोग कैलकुलेट कर पा रहे हो, तो इस चीज़ का वैल्यू करना ठीक है। तो 20th मार्च 1970 वापस से मैं लिखूँगा टिल 1900 क्या होगा, 01 ऑड डे ठीक है। वापस से टिल 31st दिसंबर 19, इससे एक साल पहले तक ना 1975 कितने हो जाएंगे, 75 तो फिक्स है, प्लस 75 में चार से भाग दो लीप ईयर आ जाएगा, 75 में 18 लीप ईयर्स ठीक है। अब टिल 20th मार्च जाते हैं, टिल 20th मार्च मैं आ जाता हूँ, 20 मार्च है, जनवरी का 3, 1976 लीप ईयर था क्या, लीप ईयर बिल्कुल था है ना, लीप ईयर था, तो फरवरी का भी एक आएगा और मार्च का 20 आ गया। अब इसमें और डेज फाइंड करो, डे बता दो, यहाँ पे देखो 70 मैं अलग अलग से सबको ऐड करना, बट क्यों करना है ऐड, 75 को डिवाइड करो 7 से, रिमाइंडर क्या 5 बचा, तो इधर से तो 5 आ गए, 18 को डिवाइड करो 7 से, रिमाइंडर क्या बचा 4, तो 5 + 4 9 आ गया, 9 से मैं 2 लिख देता हूँ क्योंकि 9 / 7 करते हैं ना। अब यहाँ पे दिमाग भी हर जगह यूज़ होते रहता है, 20 + 1 को तो मैं ख़त्म कर देता हूँ क्योंकि 21 मीन्स क्या होता है 7 से डिविजिबल, 7 का मल्टीपल चाहिए बस अपने को 3, 7 का क्यों चाहिए क्योंकि 7 डेज होते हैं वीक में। अब ये चीज़ें मैं डिस्कस करूँ तो नहीं अच्छा लगता है, 3 + 2 5 5 + 1 6, 5 + 1 क्या हो गया 6 मीन्स क्या, देखने की ज़रूरत नहीं है, सैटरडे होता है याद रखो, 1 मीन्स मंडे, 2 मीन्स ट्यूजडे, 3 मीन्स वेंसडे, 4 मीन्स थर्सडे, 5 मीन्स फ्राइडे, 6 मीन्स सैटरडे, 0 मीन्स संडे, तो 6 आ गया मीन्स इस दिन क्या था, सैटरडे था, क्या था, सैटरडे था। चलो आज का डे कैलकुलेट करते हैं, आज क्या डेट है, आज डेट है 7th मई 2020। अब टिल 2000, अब 1900 नहीं है, 2000 तो 400 का है ना, तो हर चार साल में तो 0 और डेज हो जाते हैं, मैंने लिखा था वैसे भी 5 3 1 0 5 3 1 0, मैंने बताया था आपको हर एक सेंचुरी में 5 ऐड होता है, तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि 400 से मल्टीपल के बाद 5 लेते हैं, फिर उसके और 100 साल बाद 3 लेते हैं, है तो टिल 2000 कितना हो जाता है, 0 और डेज ठीक है। और इसके बाद टिल, अब तो 0 हाँ 2000 तक ले ही लिया, अब 20 तक टिल एक साल पहले तक आएंगे 2019 तक, 31st टिल 2019 लिख देता हूँ, चलेगा आपको 2019 लिख देता हूँ, 31st दिसंबर क्या लिखना है 2019, 19 साल है तो 19 तो ऐड करना ही है, प्लस लीप ईयर कितने हैं, लीप ईयर कितने हैं, 19 में 4 से डिवाइड करो 4 होता है ठीक है। और टिल टुडे, टिल या 7th मई 2020 करता हूँ, कितने हो गए, अब मई तक आना है, जनवरी का 3, फरवरी का लीप ईयर था ये, मार्च का 3, वैसे ये साल पता ही नहीं चला अभी मई कैसे आ गया, मार्च से तो सब लोग क्वारंटाइन ही है हम लोग मतलब, तो फिर भी मार्च का 3, अप्रैल का 2 और मई का 7, अब ऐड करके देखते हैं सही आता है नहीं आता है। ये तो मुझे दिख रहा है कि 5 + 4 9 9 - 2 लिख दूँ, अब देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, और यहाँ पे 7 तो पहले ही ख़त्म हुआ, 7 से डिविजिबल है, 3 + 3 + 1 वापस से 7 ख़त्म कर दिया मैंने ठीक है, बचा क्या 2, इधर से 2 इधर से 2 क्या बचा 4, 4 मीन्स क्या होता है, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे, आज क्या है थर्सडे, अगर आज का दिन थर्सडे नहीं है तो फिर बताओ थर्सडे है आज, तो ऐसे करके आप तुरंत ही किसी भी डेट का निकाल सकते हो। मैं देखता हूँ, चलो फ्यूचर का देखते हैं, थोड़ा फ्यूचर में कौन सा डे होगा, रैंडम सा एक डेट लेता हूँ कि हम लोग जब गांधी जयंती मनाएंगे 22nd अक्टूबर 2324 ये जो साल होगा, तब गांधी जयंती जब मनाएंगे हम लोग तो उस दिन कौन सा डे होगा, चलो करके देखते हैं। तो टिल 2300, अब 2000 तक 0 था, तो 2100 तक 5 होगा, 2200 तक 3 होगा, और 2300 तक फिर से क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 और डे होगा। और टिल 2324 कितने, 24 तो ऐड करेंगे हर साल का 1 और डे, और 24 तक कितने लीप ईयर्स आएंगे, 4 लीप ईयर्स, सॉरी 24 नहीं आया ना, 23 तक ही करेंगे ना, एक साल पहले ही करना होता है, एक साल पहले ही लेंगे 23 तक लेंगे, तो 23 तो ऐड किया हमने,
और लीप ईयर्स कितने आ गए, लीप ईयर्स कितने आ गए, लीप ईयर्स आ गए 23 में 4 से डिवाइड करो 5, और फिर 2 अक्टूबर तक जाते हैं। और चलो ये करने से पहले एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ट्रिक मैं एक दो और बता देता हूँ साइड में, कि जनवरी का 3 ऑड डे, फरवरी का नॉर्मल ईयर तो 0, लीप ईयर तो 1, मार्च का 3, अप्रैल का 2, मई का 3, इसमें भी ट्रिक बनाते हैं क्योंकि हर बार हर महीने का ऐड करना सही नहीं है, जून का 2, जुलाई का 3, अगस्त का 3, सितंबर का 2, अक्टूबर का 3, नवंबर का 2 और दिसंबर का 3। अब क्या होता है कि अब चलो जून तक के सारे ऑर्डर्स को ऐड करो, तो 3 + 3 + 2 + 3 + 2 कितना आता है, 3 + 3 = 6, 6 + 2 = 8, 3 + 11 + 2 = 13, 13 आता है जून तक को ऐड करके, 13 मीन्स क्या होता है 6, मीन्स साल के आधे टिल जून में अगर नॉर्मल ईयर है तो 6 और डेज लिख सकता हूँ, और अगर लीप ईयर है तो 6 में एक लीप ईयर है तो 6 में कितना ऐड करना पड़ेगा, 1 ऐड करना पड़ेगा, तो लीप ईयर है तब तो 0 कर दूंगा सीधे मैं, अगर जून तक जा रहे हैं तो ऑड डेज कितने, या तो 6 होंगे और लीप ईयर तो 0 होंगे, देख कितना आसान हो गया है ना। और आगे फिर हर मंथ का दिसंबर तक जाना होगा तो ऐड कर लेंगे, मुझे जून तक का याद रहता है कि जून तक नॉर्मल ईयर में 6 ऑड डे, और अगर नॉर्मल ईयर है सॉरी लीप ईयर है तो 0 ऑड डे, तो टिल 2324 जाएंगे कौन सा, 2 अक्टूबर, तो ये तो लीप ईयर है तो जून तक को तो 0 कर दिया, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर का 2, देखो कितना इजी और इजी कर दिया धीरे धीरे, और इससे आप खुद भी बहुत सारे ट्रिक बना सकते हो ठीक है। तो अब ऐड करके देखते हैं, ये आप याद रखना कि गांधी जयंती हम अगर 2324 में हमारे जो आगे के आएंगे लोग वो कब कौन से दिन मनाएंगे, तो 23 में 2 होता है, 5 + 2 = 7, वैसे भी 23 + 5 = 28 होता है, इसको मैं ख़त्म ही कर देता हूँ है ना, 3 + 3 = 6 + 2 + 8 + 2 = 10, 10 + 1 = 11, 11 मीन्स 4, 11 / 7 = 4, 4 मीन्स क्या होता है थर्सडे, मीन्स थर्सडे को मनाएंगे। अब इसके बाद आप अपने अपने जन्मदिन का मना सकते हो, अब इसमें मैं कितने सारे डेट्स आपको दिखाऊं, आराम से किसी भी डे का मनाया निकाला जा सकता है कि उस दिन कौन सा डे था है ना, पर्टिकुलर किसी डेट पे कौन सा डे था आप इजीली बता सकते हो ठीक है, बहुत आसान है। और मैंने आपको ट्रिक्स भी बताया, खुद से भी ट्रिक बनाओ और आप खुद से निकालो अपना अपना बर्थडे कि किस दिन आप पैदा हुए थे। अगर मैं अपना चलो निकाल के दिखाता हूँ, मैं 8 अगस्त 1992 को पैदा हुआ था, इस दिन हम लोग चलो मैं फाइंड करता हूँ कौन सा डे था, उससे मुझे पता है बट फिर भी मैं फाइंड करता हूँ, वापस से मैं लिखता हूँ, सीधे लिखता हूँ टिल 1901, 1991 तक आऊँगा तो 91 साल का 91 ठीक है, और 91 साल तक लीप ईयर कितने हो गए, 91 साल तक 4 से डिवाइड करो तो 22 है ना, और अब 8 अगस्त तक जाना है, 1992 लीप ईयर भी था तो जून तक का 0 ठीक है, जुलाई का 3, अगस्त का 8, 91 सीधे ही ख़त्म हुआ, 7 से डिविजिबल है, 22 को मैंने 1 लिख दिया और 8 + 3 = 11 का 4 लिख दिया, 4 + 1 + 1 = 6 होता है, 6 में सैटरडे, मैं सैटरडे को पैदा हुआ था ठीक है, सैटरडे को पैदा हुआ था मैं। इसी तरह आप खुद अपना भी निकाल सकते हो, किसी का भी आराम से निकाल सकते हो कि इस डेट को ये डे था। अब मैं और कितने सारे एग्जाम्पल आपको दूँ, आप खुद से कोई भी रैंडम सा डे लो और फाइंड करो ओके, और पूरा वीडियो देखो एंड तक देखो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा ओके। तो थैंक यू सो मच, आपने इतना सपोर्ट दिया है अभी तक, इतने आप लोग वीडियोस देखते हो, सब रिस्पांस भी अच्छा रहता है, होमवर्क भी सब लोग करते हो ओके। तो इसी तरह देखते रहो, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो ठीक है, वीडियोज़ को लाइक करो, शेयर करो जितना कर सकते हो ओके ठीक है, चलो ठीक है, बाय बाय।